हेलो डिज़ाइनर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द क्रिएटिव कलाकार। मेरा नाम है रमेश ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर वर्सेस विजुअल डिज़ाइनर, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का क्या रोल होता है और आपको दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो विजुअल डिज़ाइनर होता है उसका काम होता है प्राइमरली विजुअल्स पे फोकस करना ग्राफिक्स के। बेसिकली उसकी प्रायोरिटी होती है कि जो भी वो डिज़ाइन कर रहा है वो विजुअली बहुत अच्छा लगना चाहिए, विजुअली बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगना चाहिए। एक विजुअल डिज़ाइनर यूजुअली वेबसाइट्स, ऐप एंड डिजिटल मीडिया के लिए ही डिज़ाइंस क्रिएट करता है, जबकि एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ डिज़ाइन बनाना होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन में काम करता है, जैसे कि प्रिंट, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग और कभी कभी वेबसाइट्स पे भी। एक विजुअल डिज़ाइनर ब्रांड के दिए हुए कंटेंट एंड एसेट्स का यूज़ करके बहुत ज़्यादा विजुअली अपीलिंग क्रिएटिव ग्राफिक्स बनाता है, जिसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजुअल लैंग्वेज क्रिएट करता है, जो कि थ्रू आउट द ब्रांड जर्नी सेम रहती है। हर जगह वही सेम एसेट्स और डिज़ाइंस यूज़ होंगे कंसिस्टेंसी के साथ में। जबकि एक ग्राफिक डिज़ाइनर इंडिविजुअली ग्राफिक बनाता है टू कम्युनिकेट विद देयर यूजर्स। ग्राफिक डिज़ाइनर यूजुअली इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ में क्रिएटिव्स बनाते हैं। एक विजुअल डिज़ाइनर बनने के लिए आपको इन स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइनिंग तो ज़रूर होनी चाहिए। आपको डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स एंड डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आपको वेबसाइट्स एंड ऐप के लेआउट की फुल नॉलेज होनी चाहिए एंड कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे। आपको ब्रांड के एसेट्स हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ आपको डिज़ाइन लैंग्वेज की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिज़ाइंस के थ्रू कम्युनिकेट करना आना चाहिए। एज अ विजुअल डिज़ाइनर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा और अडोब XD जैसे सॉफ्टवेयर की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो भी आपको स्ट्रॉन्ग ग्राफिक्स डिज़ाइन एलिमेंट एंड प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कलर्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप डिज़ाइन बना रहे हो तो स्क्रीन पे कलर्स कैसे दिख रहे हैं और वो प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेंगे। एंड आपको डिफरेंट साइजेस की नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट सपोज अगर आप एक डिज़ाइन बना रहे हो अपने लैपटॉप पे छोटे साइज में तो वो अच्छा लग रहा है, बट वो बड़ा प्रिंट होके कैसा लगेगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आपको टाइपोग्राफी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अलग अलग टाइपफेसेस अलग अलग साइजेस पे कैसे दिखते हैं और वो विजिबल भी दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको कॉरलड्रो, फोटोशॉप, अडोब इनडिज़ाइन, अडोब इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर पे वर्क करना पड़ता है। आई गेस इस वीडियो में मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा कि एक विजुअल डिज़ाइनर और एक ग्राफिक डिज़ाइनर में क्या फ़र्क होता है। एंड इस वीडियो के बाद आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है या फिर एक विजुअल डिज़ाइनर। सो अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प किया तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो उसको नीचे कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो आप कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।